एक गल कह दी जाती है, मैं सिख नहीं हाँ तो मैं एजेंसियां का बंदा या मैं साड़ियां जड़ियां सिख संस्थावां उन्हां दे अगेंस्ट काम कर रहा, उन्हां नूं अपनी संगत दे नज़रां च किसी ना किसी तरह ठेस पहुँचाउण खातर या हानि पहुँचा रहा। एक गल बहुत गंभीर है जी, इस गल ते इहदी वजी आ मैनूं सट सट इस करके वजी आ क्योंकि ये जज्बात साडा समर्पण उस गुरु लई या साडा समर्पण श्री अकाल तख्त साहब लई जिहदे लई असीं हमेशा ही समर्पित रहांगे। सो एक होर गल ते आउणे आ जिहड़ी गल करन वाली आ, मैं एक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का, मैं संस्था नूं नहीं निंद रहा, मैं उहदे जिहड़े आगू आ संस्था दे अज वर्तमान आगू आ साडे उहनां दी गल करदा। उन्होंने एक इतिशार दिता भी गुरु गोबिंद गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूप जिथे किते किसी संगत नूं या किसी माई भाई नूं पता ओ सानू आपदा हलफनामा लिख के भेजे ते उहदा नां पता गुप्त रख्या जाऊगा क्योंकि 267 रूप घटे आ। हुण 267 सरूप जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब दे घटे आ, ये मैं गल पुछनी चाहना जिहड़े प्रधान साहब आ एस जी पी सी दे, भी प्रधान साहब दाइयां तो भी कदे ढिड लुके आ? इस गल दा तुसीं मैनूं जवाब दिओ। तुहानूं हुण हलफनामे भेजांगे असीं, एक पासे ये गल के कही जा रही आ और ये गल श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार कह रहे आ भी वह कितने गायब नहीं होए या मिसिंग नहीं आ, एक कलैरिकल मिसटेक आ ते इस दी जांच की जाऊगी। हुण कलैरिकल मिसटेक आ जी, थोनू मसले की गंभीरता समझ नहीं आ रही कि तुसीं समझना नहीं चाह रहे, थोनू हलफनामे दईए असीं, थोनू ये भी हलफनामे दईए भी प्रधानमंत्री साहब ने उस स्टेज तो जिथों सारा देश देख रहा सी कि स्टेटमेंट दिती, थोनू वह भी हलफनामे च लिख के दईए तो साडा पता ते ना तुसी गुप्त रख लियो, थोनू यह भी हलफनामे च लिख के दईए भी उत्थों उस स्टेज तो थोड़े सबका जथेदार आ जिहड़े इकबाल सिंह वह की कह रहे आ, थोड़े कोले किसे कोले इस गल ते आके उस नैरेटिव नू उस बिरतांत नू ढाउण वास्ते या उस बिरतांत दे अगेंस्ट तुसी आपदा कोई स्पष्टीकरण दे सको या कोई स्टेटमेंट जारी कर सको, ये किसे कोले थोड़ी जिम्मेवारी नहीं बनती। तो असी पंथ की गल कर रहे हैं। अच्छा फिर जे असी सवाल पुछते हाँ उस सवाल का मैनू यह कह के चुप करा दिता जाता भी थोड़े ते कानूनी कार्रवाई करांगे। हुण मैं यह पुछदा कानूनी कार्रवाई तो तुसी तां करोगे जे मैं कोई PIL फाइल की हो, भी उत्थे मैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कोर्ट च जाके यह गल कही है जी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी तौर पर आके जवाब देवे। मैं तो थोड़े तो सवाल पुछया जी, तो सवाल पूछण दा हक वह श्री गुरु नानक देव पातशाह ने सानू दिता, 10वें पातशाह ने सानू दिता, हुण तुसी ओह भी खोलोगे साडे तो, हुण इह गल्लां किधर नूं जा रही हैं? इस करके मैनू दूजी गल जिहड़ी सब तो हैरानीजनक होर एक गल सी भी डॉक्टर ईशर सिंह एडवोकेट उस जांच कमेटी की प्रधानगी कर रहे आ, जिहड़ी जांच कमेटी बनाई गई आ 267 जिहड़े सरूप आ श्री गुरु ग्रंथ साहब दे उन्हां दा पता करन वास्ते। हुण एक गल दा मैनू जवाब दिओ, जिहड़ी जज साहिबाना हाई कोर्ट दी सी उन्हां नूं पासे क्यों कर दिता गया, या जे वह आप पासे हो गया उहदी आ के तुसीं संगत नूं स्पष्टीकरण दिओ यह होया की आ। अगली गल सानू यह कहा गया सी भी कोई रिटायर्ड जस्टिस इहदी जांच करूगा, तो अज तुसी डॉक्टर ईशर सिंह आ जिहड़े वह भी एक एडवोकेट आ, उन्हां दी जिहड़ी सेंटिटी आ या उन्हां दी जिहड़ी तुसी इह कह लो नैतिकता, उस संगत नाल विचारी संगत च बह के फैसला लिया कि कमरिया च बह के फैसले लै लैंदे हो ते संगत दे उत्ते थोप दिंदे हो, हुण असीं तुहाडे तों सवाल भी ना पुछिए। यह गल्लां बड़ियां अपसैट करन वालियां जी। अच्छा एक पासे तां तुसीं इतिहार दे रहे हो भी देखो 267 रूप जिहड़े घटे आ उहदे बारे जे किसी नूं जानकारी होवे तां हलफनामा साडे ताईं पहुँचाओ। एक पासे जथेदार साहब कह रहे आ भी कोई गल नहीं आ, इह कलैरिकल मिसटेक आ।